आखिरी वक्त आ गया है, ऐसा लग रहा है कि आपकी जो लड़ाई है 7 साल से ज्यादा वक्त की, वो आज मुकाम पे पहुंच जाएगी, क्या उम्मीद है? देखिए उम्मीद तो यही है, लेकिन जिस तरह से बार 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 फांसी पोस्टपोन हुई है, तो जब तक उनको फांसी नहीं हो जाती तब तक हम सोच भी नहीं सकते कि नहीं हमारा संघर्ष खत्म हो गया है। वैसे जो कल मर्सी खारिज हुई है वो लास्ट मर्सी थी चौथे की, तो अब ऐसा कोई सरकारी रेमडी नहीं है जिसके वजह से फांसी पोस्टपोन हो सके। तो कल हम जैसे मर्सी खारिज हुई कुछ घंटों के बाद हम लोगों ने जाके शाम को अप्लीकेशन लगा दिया है, और आज 2 बजे के लिए उनको नोटिस हुई है उनके वकीलों को, और 2 बजे का हेयरिंग है, तो आज उम्मीद है कि आज नया डेट वारंट जारी हो जाएगा। अब अंदर से लग रहा है कि अब समस्या नहीं आएगी, अब जिसके लिए आप लोग 7 साल से लड़ रही हैं वो उस रिजल्ट तक, अब मुकाम तक पहुंच जाएंगी। देखिए हम ये भी नहीं कह सकते कि समस्या नहीं आएगी, जिस तरह से फाइनली उनके वकील हम पे ही अटैक कर रहे हैं, तो मायने ये नहीं रखता है कि हमारा बेटा क्या पढ़ रहा है, उनका बेटा US में है, अमेरिका में है, सब अपने अपने उससे करते हैं। लेकिन AP सिंह ये भूल जाते हैं कि जिस तरह से वो पूरा फुलवामा या निठारी या सबका तथ्य रख रहे हैं, तो ये भूल जा रहे हैं कि नहीं जिन मुजरिमों के लिए वो लड़ रहे हैं या पूरा अपना बाहर भड़ास निकाल रहे हैं, तो ये भी तो कहना चाहिए कि उनके मुजरिमों ने भी जब क्राइम ही नहीं किया था, उनके इन मुजरिमों ने जिनको मासूम बचा रहे हैं कि मासूम हैं, उनके मुजरिमों ने वो निठारी में तो बच्चों को काट दिया था, पुलवामा में तो बम ब्लास्ट हो गया, कहाँ कहाँ का दे रहे गोली।